हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस, पैल वर्ल्ड का। और आज का जो पैल वर्ल्ड का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदों के चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस, अगर आपने हमारे पैल वर्ल्ड के प्रीवियस एपिसोड चेकआउट नहीं करी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको पैल वर्ल्ड नाम की हमारी एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। वहां पे जितने भी हमारे पुराने एपिसोड है वो सारे आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। अभी काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई आज भाई दो दो वीडियो कैसे, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने जो है ना गाइस यहाँ पे सीक्रेट डील करी हुई है। आपको पता ही होगा गाइस कि हमारे चैनल पे भाई डेली एक प्रमोशनल वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो पे अगर 24 घंटे के अंदर भाई 6500 व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके अगले दिन हम लोग जो है गाइस यहाँ पे 2 से 3 पैल वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे भाई एपिसोड अपलोड हो तो डेली जो प्रमोशनल वीडियो अपलोड होती है उस पर 24 घंटे के अंदर 6500 व्यूज का टारगेट जो है वो कंप्लीट करा देना, तो डेली यहाँ पे 2 से 3 पैल वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड हुआ करेंगे बस। और गाइज, उस वीडियो को जो है ना चेकआउट करने से तुम्हारे भाई को भी काफी सपोर्ट मिल जाएगा गाइज, हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज जो प्रमोशनल वीडियो डेली अपलोड होते हैं चैनल पे उसको चेकआउट कर लेना यार तुम्हारे भाई के लिए प्लीज गाइज, ठीक है। बाकी अभी आज का जो एपिसोड है ना उसमें हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है भाई आज हम क्या करने वाले, बट एक चीज करता हूँ, मुझे स्टोन काफी ज्यादा चाहिए मेरे घर पे ना। हाँ, पहले ये चीज कर लेता हूँ गाइज, रुको, पहले हम ये चीज कर लेते हैं, ठीक है। काम भाई जो सारा है ना भाई ग्राइंडिंग वाला वो स्टार्टिंग में कर लेता हूँ। हाँ, ऑयल रिग भी कंप्लीट करने जाना है मुझे ब्लूप्रिंट के लिए, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है और मुझे बोला था पब्लिक ने कि 30 मिनट में ऑयल रिग जो है गाइस 30-45 मिनट में रिसेट हो जाती है, तो आज ऑयल रिग भी करेंगे। ऑयल रिग के साथ और भी भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम भी हम लोग को करना है, वो भी करेंगे भाई, ठीक है। चारकोल यहाँ पे डालने दो, आटा भी यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं चारकोल ही बनाने के लिए डालता हूँ, क्योंकि वुड हमारे पास 1 लाख पड़ा हुआ है, लगभग 1 लाख वुड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चारकोल डाल देता हूँ अभी के लिए बनाने के लिए, डन सीन। और यहाँ पे मुझे डालना है ये पैल मेटल, एंड इसके लिए ये पैलेडियम फ्रैगमेंट मुझे चाहिए होंगे जो मेरे पास इनफ अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए तो है नहीं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक चीज़ गाइस बनाने के लिए, सीमेंट बन रहा है, सीमेंट तो 110 बन रहा है, उसको मारो गोली, इसको बना लो भाई, ठीक है। कार्बन फाइबर मैंने बनाने के लिए डाल दिया है। अब एक और चीज करता हूँ, ऑयल देखता हूँ मैं कितना आया है, क्या पता मीटोराइड गिर जाए और हमारा काम हो जाए ना गाइस, मीटोराइड गिर गया तो। मीटोराइड मुझे नहीं लग रहा भाई गिरेगा करके, ऑयल भी काफी बढ़िया भाई यहाँ पे बना हुआ है, ऑयल भी लेके चलता हूँ मैं। पैल इनगट बनाने के लिए डालता हूँ जिससे हमारे वेपन्स वगैरह और खतरनाक वाले जो आर्मर शार्मर है गाइस वो बनते हैं और बॉल बनते हैं अल्टीमेट वाले, ठीक है। तो यहाँ से लेके जाता हूँ, रुको जल्दी जल्दी, ये ऑयल, और यहाँ पे बॉक्सेस में भी थोड़ा ऑयल पड़ा हुआ होना चाहिए अगर मैं गलत, यस वुड और फाइबर भी उठा लेता हूँ, चलो वुड और फाइबर नहीं यार, वुड और फाइबर थोड़ा रख लेता हूँ यहाँ पे, क्या ना बिल्डिंग के काम आ जाएगा अगर कभी कुछ यहाँ पे टूट फूट जाता है तो उस बिल्डिंग के काम आ जाएगा। ये और वगैरह लेके चलता हूँ मैं, ओके चलो अभी हम फटफट करके घर पे चलते हैं। मैं पैल इनगट जो है बनाने के लिए पैलेडियम फ्रैगमेंट उसके लिए भी चाहिए होगा जो मेरे पास इनफ अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, आई थिंक से ना पैलेडियम फ्रैगमेंट चाहिए ना तेरे लिए, हाँ भाई लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। चलो यार ज़्यादा तो नहीं बन रहा, पैलेडियम फ्रैगमेंट के लिए मुझे स्टोन चाहिए होगा, रुको मैं वो वाले बेस से स्टोन वगैरह और दूसरी चीज़ें ना फटाफट से लेके आ जाता हूँ सारी की सारी, ठीक है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। रुको फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन करके वो फटाफट सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं हम लोग ये वाले बेस पे, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यार यहाँ पे मैं चीजें इकट्ठा करने आया था बट भाई रेड हो गई यार, रेड में भाई आधा खानदान ना निपट जाए मेरा। अबे आ भी गए भाई, हेलो ये लोग रेड करने पे आ गए, जाओ जाओ भाई जाओ, मैं ओवरवेट हूँ, मैं इसकी इनकी क्या ही हेल्प करूँ अभी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद ओवरवेट हूँ। कम ऑन भाई लोग जाओ, रॉकेट मार रहा हूँ मैं, रॉकेट मार रहा हूँ, रुको पेल दो, बुर्जी बनाओ, इंजर्ड हो रहे। रॉकेट विकेट लॉन्चर चला दिया मैंने, मार देना रे, जिंदा नहीं छोड़ना, हाँ शाबाश कंप्लीट होगी ना रेड, और कोई खतरा तो नहीं है, लाड में रेड करने आएंगे चमन लोग, चलो आ जाओ भाई। हैप्पीएस की तो बैंड बजी पड़े, एक साथ भाई 50-60 पोकेमोन्स होंगे तो बैंड तो बजेगी। ये मरे नहीं लेकिन आज यार, कोई मरे नहीं अपने पोकेमोन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलो
अभी मैं यहाँ से जितने भी भाई अपने रिसोर्सेज थे वो सारे लेके जाता हूँ। ये देखो ये सब यहाँ से हमको लेके चले जाना है। यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ तो दे देना मेरे भाई, नहीं पड़ा है ना ऑयल शॉयल कुछ नहीं भाई। चलो आ जाओ अभी चुपचाप से घर पे चलते हैं ये रिसोर्सेज लेके, इसे पैलेडियन फ्रैगमेंट मेड बनाने के लिए डाल दें मुझे, क्योंकि पैलेडियन फ्रैगमेंट की ना थोड़ी कमी पड़ रही है मेरे को, तो वो सबसे पहले गाइस मैं बनाने के लिए डालूंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑयल आहनी, ऑयल रिग नहीं करिए कंप्लीट, मुझे जर्मन टाइड जो है ना कि जो बॉस किलर बनाना है, ब्लेज मत रायु बॉस को मारने के लिए मुझे वाटर टाइप पोकेमोन भी चाहिए होंगे, तो वो वाटर टाइप पोकेमोन रहेगा अपना जर्मन टाइड, और वो जर्मन टाइड जो है गाइस आज हम भाई बनाने के लिए यहाँ पे डालने वाले है, ठीक है। चलो अभी पहले सारी चीज़ें ये अच्छा रहने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं जल्दी जल्दी है जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। एंड अभी मुझे जर्मन टाइड वो करना है ना रायु, जर्मन टाइड राही को बनाने के लिए मारने के लिए एक्चुअली में मुझे जर्मन टाइड राही नहीं यार ब्लेज मत सॉरी गाइस सॉरी ब्लेज मत राही को मारने के लिए जर्मन टाइड की आर्मी बनानी है, बट उसके लिए मुझे जर्मन टाइड पावरफुल वाला बनाना पड़ेगा, तो वही काम अभी मैं करने वाला हूँ। पहली स्किल चाहिए हम लोग को लॉर्ड ऑफ द सी, ठीक है रुको अच्छे से भाई उनको सॉर्ट आउट करना है। लॉर्ड ऑफ द सी सोलो लॉर्ड ऑफ द सी नहीं है, अलग सोलो सोलो देखो लॉर्ड ऑफ द सी वगैरह सीनियरिटी है, लॉर्ड ऑफ द सी वैनगार्ड वगैरह है नहीं क्या यार, सोलो नहीं है क्या लॉर्ड ऑफ द सी अपने पास जो है उनके, ये रहा ना अरे दो रहे सोलो लॉर्ड ऑफ द सी फीमेल वो भी, क्या बात कर रहा तुम, ये रहा ना सोलो दो, इनको अलग रखो ये अलग रहेंगे। यहाँ पे काम करने के लिए मैं दो रख रहा हूँ काम करने के लिए, रुको 70 वर्किंग स्पीड, ज़्यादा वर्किंग स्पीड है किसी के मेरे भाई ना 70 है भाई, लॉर्ड ऑफ द सी भी है जा, और कौन है तू भी है लॉर्ड ऑफ द सी जा भाई, इनको दोनों को भी काम करने के लिए डाल दें उनकी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लॉर्ड ऑफ द सी मिल गया, सीनियरिटी सोलो चाहिए अभी मुझे, सोलो सीनियरिटी भी मिल गया, इधर डालो इसको ओके सोलो सीनियरिटी, एक और सीनियरिटी मिल गया इधर डालो इसको, तुरंत भाई तुरंत तुरंत काम शुरू करना है हमको। एक और सीनियरिटी मिला डालो भाई, और कुछ अभी मुझे चाहिए मसल एड और फ्यूरियस, मैंने देखा है मुझे मसल एड और फ्यूरियस एक साथ मिला हुआ है, मैंने देखा हुआ है भाई मसल एड फ्यूरियस ये रहा, इसको डालो भाई इधर, डनसिन डनसिन एक मिनट रुक जाओ इधर ना भाई, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, सीनियरिटी कहाँ है सीनियरिटी, ये क्या है लॉर्ड ऑफ द सीनियरिटी मसलेड फ्यूरियस, ये दूसरे सीनियरिटी वाले कहाँ चले गए फिर, मेरे पास और सीनियरिटी वाले थे ना थोड़े, पता नहीं मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ अभी के लिए, यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, ठीक है चलो भाई ढूंढ लेंगे वापस से उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका ब्रीडिंग चालू कर देना है मुझे अभी जल्दी जल्दी से, सीनियरिटी सीनियरिटी सोलो नहीं है ना सीनियरिटी अभी के लिए तो नहीं दिख रही यहाँ पे, चलो डाइड लवर नहीं चाहिए भाई, ब्लरी बॉडी वगैरह नहीं चाहिए, लॉर्ड ऑफ द सी मिल चुका है मुझे, मसल एड फ्यूरियस मिल चुका है, बट अगर मुझे सीनियरिटी वापस से, मेरे पास थे तो सही थोड़े सीनियरिटी वाले ना, मैंने कहाँ पे डाल दिया यार उनको, फीमेल फीमेल हाँ मेल चाहिए मुझे सीनियरिटी वाला भाई, काम नहीं होगा मुझे चाहिए मेल, मेरे पास थे तो सही मैंने कहाँ डाला उनको यार, ये रहा पहला फीमेल है ये भी, लेकिन यार ये भी तो फीमेल है यार, ये मेल है हाँ ये वाला काम चल जाएगा, ठीक है तो हमको मिल चुके। केक चाहिए मुझे केक 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 जल्दी केक, एक ही एपिसोड में भर भर के काम करेंगे हम, अलग अलग काम एक ही एपिसोड में, 39 केक क्यों बन रहे खाली भाई, क्या चीज़ की कमी पड़ रही है बताओ, क्या चीज़ चाहिए, अंडा चाहिए भाई गाइस, 10,000 अंडे और 10,000 दूध लेके आना पड़ेगा अभी तुरंत तुरंत भाई, पैसों की कमी नहीं है तेरे भाई के पास, रुको क्योंकि अभी हम लोग को ब्रीडिंग जो है सो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली करनी है, बॉस किलर आर्मी तो बना के रहेगा तेरा भाई। कॉइन किधर है, 18 लाख कॉइन उठाऊँ, चलो अंडे लेके आना और दूध लेके आना है भाई 10,000, ठीक है 18 लाख कॉइन है लगभग भाई, 5-6 लाख कॉइन जो है हम लोग भाई खत्म कर देते हैं यहाँ पे अभी। शाइनी कौन सा आला आया भाई यहाँ पे, करके चमक तो रहा है, अरे यार ये लोग तो अभी बात भी करते हैं, वाह ये पहले बात नहीं करा करते थे पता है आपको, ये पहले बात नहीं करा करते थे, ये नई चीज डाली इन्होंने कि ये बात वगैरह कर सकते हैं भाई एनपीसी, अच्छी बात है अच्छी बात है। बाय बाय अंडा मैक्स दो, मैक्स करो अंडा
दूध करो मैक्स, 5,000 लेके जाता हूँ, ज्यादा नहीं गाइस, ज्यादा नहीं, अभी के लिए 5,000 जो है गाइस वो इनफ रहेगा। 3,000, ये 3,000, उसके बाद ये 4,000, ये 4,000, लगभग 6,000 गाइस लेके जा रहे हैं हम, 6,000 डन सीन। चलो पैसों की कमी नहीं है भाई, अरे कहाँ उड़ गया, बस कर भाई। चलो अभी गाइस ग्रैपल मार मार के मुझे सारा सामान घर पे लेके जाना है, केक बनाने के लिए डालने, और जो अपना ब्रीडिंग फार्म है वहां पे जर्मन टाइड की मैं ब्रीडिंग शुरू कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। वो चार स्किल, सीनियरिटी, लॉर्ड ऑफ द सी, मसलेड, फ्यूरियस, वो चार स्किल जो है गाइस वो एक जर्मन टाइड के अंदर आनी चाहिए, फिर उसको मैं भाई वापस से दूसरों के साथ ब्रीड करा के उनकी आर्मी भी बना दूंगा, क्योंकि उस आर्मी की जरूरत हम लोग को पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। अगर मुझे गाइस यहाँ पे मारना है ब्लेजमत रायू को, वो भी बड़े आसानी से चुटकी बजा के, तो भाई हमको उस आर्मी की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली यहीं पे चलते हैं ना, फ्रिज में रखने पड़ेंगे एंडेशन डे, यार ऐसे नहीं रख सकता मैं यहाँ कहीं पे, फ्रिज में डालने पड़ेंगे भाई, फ्रिज बना के रखा है उसमें डाल दूंगा अंडे, रुको और केक बनाने के लिए डालूंगा। ये यहाँ पे डाल देता हूँ कॉइन्स, और इधर डाल देता हूँ मैं एंडेशन डे भाई, अच्छे से कर रहा है ना फ्रिज भाई तू। ये कूलिंग वाला कहाँ चला गया, इसमें दूध डाल देता हूँ तो यहाँ पे कूल करेगा आके। चलो अंडे डाल दे भाई यहाँ पे, अभी चल के केक बनाते हैं, और केक बनाने के लिए ना हमको एक और चीज़ चाहिए यार, वो चीज़ है भाई यहाँ पे आटा, आटे का क्या प्रॉब्लम है, आटा थोड़ा और भाई रुको, 1,000 आटा ले लिया, आटा थोड़ा भाई बनाने के लिए डालता होगा इस और में, वेट अ मिनट, 200 बन रहे, 150 इधर और 150 केक इधर, डनसिन आटा चाहिए मुझे ना थोड़ा, आटा चाहिए, आटा आटा, और ये भी काम शुरू करो, रुको यहाँ पे ये भी बनाने के लिए डाल देता हूँ। आटा बनाने के लिए मुझे भाई उस वाले फार्म से लेके आना पड़ेगा वीट भाई बहुत सारा, लेजेंडरी बॉल उठा लेता हूँ, ओके डन। देख रहे हो गाइस सारी चीज़ें करनी पड़ती है भाई हमको, अपना फार्म वाला बेस कहाँ पे है, ये रहा फार्मिंग बेस से मुझे लेके आना पड़ेगा वीट भाई, इनके पास खाने पीने के लिए खाना तो है ना, और ना खाना भी लेके आता हूँ, खाना है भाई, खाना तो है, खाना तो है, खाना पड़ा हुआ है भाई, बस खाने की तो कमी नहीं है। आटा ज़्यादा नहीं मिला, वो नहीं मिला, वीट ज़्यादा नहीं मिला, फार्म शायद से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है यार अपना ये वाला, यहाँ पे भाई टोमेटोज वगैरह भी डाले हुए तो वो शायद से ज़्यादा उग रहे हैं। चलो कोई ना, इससे मैं देखता हूँ कितना आटा बन रहा है, जितना मैं वीट लेके आया हूँ यहाँ पे, इससे 600 ही बनेगा यार, ज़्यादा नहीं बनेगा, सैड लाइफ, देखना पड़ेगा गाइस इस फार्म का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। केक शेक बन रहे भी यहाँ पे, ठीक है पहले मैं जाके सो जाता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग चालू करेंगे जर्मन टाइड की, ओके आओ चलो पहले हम जाके भाई आराम से सो जाते, फिर जर्मन टाइड की ब्रीडिंग आराम से शुरू होगी, और जैसे हम लोग को 4 गोल्डन स्किल वाला एक जर्मन टाइड मिल जाएगा, वैसे गाइस फिर हम लोग उसकी आर्मी भी बना लेंगे इजी पीजी। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने करानी होगा, और गाइस जो अपने चैनल पे प्रमोशनल वीडियो अपलोड होती है उसको अगर अभी तक आप लोग ने चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज गाइस जाइए और चेकआउट करके गाइस रिटर्न आ जाइए, चेकआउट कर लेना, और कुछ सीन उस पर अगर 6,500 व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे चैनल पे उसके अगले दिन ही भाई डायरेक्टली 2 से 3 पाल वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड हो जाएंगे, तो जाइए और फटाफट से चेकआउट करके आ जाइए प्लीज भाई प्लीज। एक काम कर लूँ ना, एक काम कर लो, वीविंग स्टैंड लगा रखा है मैंने यहाँ, नहीं ना, लेट मी क्राफ्ट वीविंग स्टैंड, पब्लिक ने मुझे बोला इतनी ज़्यादा मेहनत काहे कर रहा है मेरे भाई, वीविंग स्टैंड लगाओ और वहाँ से डायरेक्टली ब्रीडिंग के लिए डाल दो तो वो कर लेता, वो थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा, वीविंग स्टैंड वाले टिप्स एंड ट्रिक्स ना, बनाएगा कौन, मैं ही बनाऊंगा और कौन भाई, या फिर अनुबिस वगैरह तो डाल नहीं रखा, यहाँ से डायरेक्टली ब्रीडिंग के लिए डाल देता हूँ मैं, ठीक है अपने पोकेमॉन्स को, जर्मन टाइड को, वी नहीं सी, सी ना, हाँ अब पहले तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ना यार उनको, हाँ फर्स्ट मुझे उनको बाहर निकालना पड़ेगा उसके बाद हम डाल पाएंगे, तो पहले किसको डालूँ, लॉर्ड ऑफ द सी और सीनियरिटी का ब्रीडिंग करा दूँ, लॉर्ड ऑफ द सी और सीनियरिटी और मसल एंड फ्यूरियस का, लॉर्ड ऑफ द सी और सीनियरिटी का पहले ब्रीडिंग कराते हैं ना, ये फीमेल है सीनियरिटी मेल वाला निकालो, चलो इन दोनों का पहले मैं ब्रीडिंग करा देता हूँ वो बेटर रहेगा, ठीक है सी 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 सी, अरे सी भाई सी, हाँ तो ये ऊपर वाला जो है इसमें अंकल आप, और अंकल आप जाओ चुपचाप जाओ, चलो जल्दी जल्दी जाओ, हाँ ब्रीडिंग करना शुरू कर दो वापस, उसके बाद हमारे पास लॉर्ड ऑफ द मसलेड वाले के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, ये मेल है तो फीमेल कौन है यहाँ पे, सीनियरिटी भी है और लॉर्ड ऑफ द सी है, किसको डालूँ,
सीनियरिटी को डाल देता हूँ ना, सीनियरिटी को डाल देता हूँ। कैपेसिटर पर जो है ना इसके पास स्किल, वो हटनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस हमको। कैपेसिटर स्किल जो है ना, जो फालतू स्किल है इसके पास, वो हटनी चाहिए, या फिर हमको मसलेट और फ्यूरियस और सोलो सोलो थोड़े मिल जाए। चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मसलेट और फ्यूरियस और ये सीनियरिटी, मेल फीमेल दोनों। हाँ तुम भी मेल फीमेल ना भाई। हाँ चलो अभी केक डालने पड़ेंगे, केक की थोड़ी कमी पड़ेगी ऊपर, जा रहे आराम से भाई ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी तरीका है। कौन से वाले में जाओगे भाई बताओ जरा, वहाँ पे केक डालू, इसमें डाल रहे हो ना। हाँ ठीक है, केक नहीं भाई, केक डाल देता हूँ 36 इधर केक, बाद में यहाँ पे और थोड़े केक डाल दूंगा। ओ यहाँ पे पहले से पड़े हुए केक, चलो 64 और बचे हुए अभी केक में डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, ओ हमारा डॉगी जो हमको चाहिए था वो डॉगी मिला कि नहीं देख लेते, आ जाऊँ। चार है भाई, जो डॉगी चाहिए था वो मिला कि नहीं जरा चेक करना जाए यहाँ पे। तीन स्किल फ्यूरियस मसलेट और सीनियरिटी, वो मिली क्या यहाँ पे एक डॉगी के अंदर? नहीं मिली। रुको, अरे हमारे पास और अंडे पड़े हुए हैं, नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली है, नहीं मिली भाई। अरे यार डॉगी के अंडे भाई, अंडों में से जो चाहिए था वो मिला ही नहीं, नहीं मिला यार। तुमको एक रेजिस्टेंट फालतू स्किल मिल गई है, चलो कोई ना, अभी ये काम कंप्लीट हो चुका है। ब्लेजमत रायू को मारने के लिए जर्मन टाइड की ब्रीडिंग शुरू करना, ब्रीडिंग करना मैंने शुरू करा है, ताकि उससे बॉस किलर हम लोग को मिल सके। बॉस किलर क्या गाइस? अपना जर्मन टाइड जो ब्लेजमत रायू को मारेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और ड्रैगन आई थिंक से, या डार्क टाइप और फायर टाइप है, तो फायर टाइप को जो है गाइस जर्मन टाइड इजीली बुझा सकते हैं पानी से, तो इसलिए गाइस वो चल रहा है। चलो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गाइस यहाँ पे लेजेंडरी ब्लूप्रिंट लेने के लिए। पता नहीं मिलेगी कि नहीं, बड़ी उम्मीद में जा रहे कि मिलेगा इस। ठीक है भाई, आज भाई बहुत ज़्यादा ये काम कर लिया यार हम लोग ने। भाई लेजर तेरे को मारना आता है क्या? लेजर भाई, लेजर भाई क्या लेजर बनेगी रे तू, सीधा घर में घुस जाता मैं। क्या लेजर बनेगी रे तू, ये देखो ऐसा कांड होता ना मेरी जान। अरे मार ही ना रही थी कोई, सीधा घर के पास पहुंच जाएगा मैं। सिद्धागर के पास ना मेरे भाई, हाँ बाद में बजा लेना मेरे को, वहां पे पहुंचने दो पहले, क्योंकि अभी मैंने पोकेमोन नहीं निकाला है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाथ में ग्रैपलिंग गन है अभी के लिए। अरे भाई रुकना मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, फट से उड़ गया बेटा, हीरो बनेगा। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, माँ मिस्टेक, एक मिस्टेक हो गया गाइस, भारी मिस्टेक हो गया। मैंने भाई रिंग ऑफ रेजिस्टेंस लगा रखी थी, रिंग ऑफ वो वाली रिंग लगा रखी थी। संभल के, अरे कौन मार रहा भी है, आर्मर उड़ चुका था ऑलमोस्ट मेरा, बाल बाल बचाऊं। चलना अंकल, अबे लोड नहीं करा इसने अभी तक। लोड क्यों नहीं करके रखता भाई? डिफेंस प्रिंटेड, अटैक अटैक प्रिंटेड लगाता हूँ, चलो आ जाऊं। हम लोग को बस चेस्ट चाहिए, एक ही चेस्ट मिलेगी यहाँ पे, 17 चेस्ट नहीं मिलने वाली है, एक ही चेस्ट मिलेगी, उसको लूटना है, सीधा कल्टी मारनी, सीधा लूट के कल्टी। फालतू चेस्ट मुझे लेनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें खास कुछ मिलता ही नहीं है, वो बड़ी वाली चेस्ट लूटनी है डायरेक्टली हमको। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, FPS इतना डाउन क्यों अचानक से? FPS भाई इतना डाउन चला गया ना, क्या बताऊं, चले पड़ जा भाई। ये चेस्ट लूटनी नहीं है, सीधा मैं भाई मेन चेस्ट के लिए जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस मेरे को यहाँ पे फालतू में। सीधा हम जा रहे हैं मेन चेस्ट के लिए। ठीक है, वो मेन चेस्ट कहीं पे भी हो सकते हैं ना, प्रॉब्लम में वो है भाई। भाई शील्ड तो उड़ा दी यार इसने अच्छी वाली, हाँ भाई तोड़ रहा हूँ, रुक जा भाई, कितनी गोलियां चलाएगी मैडम जी, तोड़ ही रहा हूँ तेरे को, रुक जा। और कुछ है अंकल यहाँ पे, इसमें चेस्ट है बड़ी वाली, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली चीज नहीं चाहिए यार, उसमें से मिलता भी खास कुछ नहीं है। बड़ी वाली चीज अभी आई थिंक से वो वाले रूम में होगी, डायरेक्टली वो वाले रूम में मैं नीचे से जा सकता हूँ शॉर्टकट मार के। चलो गाइस मैं नीचू से जो है कि शॉर्टकट मार के जाता हूँ वो वाले रूम में डायरेक्टली। ठीक है, आओ चलो, आइयो आइयो, सीधा मैं नीचू से जाऊँगा वहाँ पे ऊपर,
है कि नहीं, वहाँ पे ऊपर जाओ। अरे यार छोड़ो यार, चलो कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि उसमें मरने के थोड़े ज्यादा हाई चांसेस है ना। सिंडिकेट तक क्यों उंगली कर रहे हो, मरने के थोड़े ज्यादा हाई चांस है इसलिए। जल्दी जल्दी इनको उड़ा उड़ा के फटाफट से आगे आगे बस बढ़ते जा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। उड़ जा मेरे भाई, उड़ जा मेरे भाई, उड़ जा। ओपन करो हाई ग्रेड मेडिसिन, कोई जरूरत नहीं है इनको। सब सबको इग्नोर भाई, फुल सबको इग्नोर। चेस्ट वहां ऊपर भी हो सकती है, पता नहीं। बस हम लोग को फाइनल रूम, अगर वो फाइनल रूम पे नहीं मिली ना तो यहाँ पे आएंगे हम चेस्ट ढूंढने के लिए, पर मुझे लग रहा है वो फाइनल रूम में होगी भाई चेस्ट। चल भाई उड़ जा, ठीक है। आर्मर शार्मर उड़ा रहे लोग, उड़ जा भाई, ठीक है। पीछे वाले वो भाई थोड़ी उंगली करने के लिए तो आएंगे, तो इसलिए पहले उड़ा के रख देता हूँ उनको। अभी आगे बढ़ना है सीधा। ये मशीन गन्स उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते हमको। वो सिंडिकेट भाई थोड़ा लग चुके उसकी बैंड, ओके। सिंडिकेट का पोकेमोन तो मर गया, बट सिंडिकेट जिंदा है। चलो सिंडिकेट को भी भगवान के पास पहुंचा दिया मैंने, चलो आ जाओ। आर्मर उड़ रहा है मेरा, फ्लेमथ्रोवर लेके आ रहा अंकल पीछे से। मुझे लगा था ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, बट अभी काफी ज्यादा ही डैमेज पड़ रहा है गाइस। भाई पूरा उड़ा दिया भाई, पूरा बेस खाली कर दी। शील्ड थोड़ी रिपेयर होने दो गाइस, थोड़ी शील्ड रिपेयर होने दो, बाकी जो भी फलाना डलाना चीजें मिले। कौन आ रहा भाई, क्यों भाई क्यों हीरो बनना है भाई तेरे को? शील्ड रिपेयर होने दो यहाँ पे अंदर भाई, ठीक है। ग्रेनेड डालने के लिए आ रहे भाई, ग्रेनेड से नेट डालने के लिए आ रहे। ऐसे भी मार सकता हूँ मैं, आर पार लग जाता है इसमें, इसमें आर पार लग जाता है तगड़ा वाला। ये देखो, ये देखो इस तरीके से। और हमारी शील्ड जो है गाइस वो भी इजीली रिपेयर हो जाएगी, ज्यादा कुछ जो है गाइस हम लोग को दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट लेट्स गो। चलो अभी आराम से भाई यहाँ पे बैठे रहता हूँ, रुको मैं थोड़े टाइम तक, ओके। शील्ड मेरी जब तक रिपेयर हाँ हो गई है भाई। चलो अभी चलते जल्दी जल्दी यहाँ से, मेरे को सीधा उस रूम में जाना है। फालतू गिरी करनी ही नहीं है। ओ भाई साहब, ये सिंडिकेट देखो, ये सिंडिकेट देखो, डायरेक्टली सीधा चांस पे डांस। शील्ड उड़ाने के ऊपर लगा था मेरी, कितना मारोगे गरीब को, ठीक है। चलो थोड़ा भी सेफ आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सेफ आ चुका हूँ, थोड़ा सेफ आ चुका हूँ बस। यहाँ पे ज्यादा मार नहीं खाएंगे हम। चलो उनको भी उड़ा देता हूँ भाई, वो खुद ही उड़ गए भाई, वैसे पोकेमोन निकाल दिया भाई। चलो खल्लास खत्म, इसको उड़ाते ये वाली चेस्ट लूटते फिर मेन वाली चेस्ट पे चलेंगे। अबे यार इसको उड़ा के मेन चेस्ट लूटनी है मेरे को डायरेक्टली। उड़ जा भाई, जल रहा है ना, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, ले उड़ रहा। तो ये वाली, अबे 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 भाई 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 अंदर से कैसे मारेगा मेरे भाई, अंदर से लगेगी भी नहीं मेरे को। मार रहा है, बिजली मार रहा है भाई, बिजली मार रहा है भाई, कहाँ चढ़ रहा है स्पाइडरमैन। होम शॉटगन एक्शन, शॉटगन फालतू है। ऊपर से पब्लिक आ रही है थोड़ी सपोर्ट के लिए इनके, उनको निपटा देता हूँ जल्दी से। जो फालतू चीज़ें वो ड्रॉप कर लूँगा इसमें यहाँ पे, क्योंकि फिर चेस्ट वाली चीज़ें जो है ना कैसे मेरे को मिलेगी नहीं, तो इसलिए मुझे जो फालतू चीज़ें वो ड्रॉप कर लेनी है, जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और डॉज कॉइन है, थोड़े से सिरिंज है भाई, ठीक है। देखते चलो अंदर क्या मिलता है। और भाई जल्दी से कंप्लीट करके यहाँ से कल्टी मारनी है मेरे को, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे अंदर बैठा होगा अंकल, उड़ा दिया भाई इसको। चेस्ट यहीं पे है ना, पता चला गलत रूम में आ गया और चेस्ट यहाँ पे नहीं मिली। ए यार चेस्ट तो नहीं दिख रही यार मेरे को,
ये रूम में चेस्ट नहीं है आज, और लूटेड है। ओह शिट, चेस्ट कहीं और रूम में, चेस्ट किसी और रूम में गाइस, चेस्ट यहाँ है ही नहीं आज यार, ये तो अलग प्रॉब्लम हो गई अभी। चेस्ट किसी और रूम में मिलेगी हमको यार, अड भाई चेस्ट किसी और रूम में मिलेगी भाई। चलो लाइक एंड सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, थोड़ा स्ट्रगल अभी बढ़ेगा मेरा। कोई पक्का नहीं है ना यहाँ पे यार, नहीं तो तीसरी लोकेशन क्या है चेस्ट की, पक्का नहीं इधर तो। यहाँ से ऊपर एक लोकेशन है, वहां हो सकती है चेस्ट। रुको मैं वहां पे जाके चेक कर लेता हूँ। उड़ उड़ के चलते यार, उड़ उड़ के चलते तो भाई वो नहीं रहने का, उड़ उड़ के ही चलता हूँ डायरेक्टली, मेरे को उड़ उड़ के ही चलते कर रहे तो। ये क्या हो गया, अरे हाँ ये नहीं भाई, ये कर लो तुम, ये कर लो तुम, जानबूझ के मरवाना चाहते हो मेरे को, ये क्या सीन है यार। रिस्टार्ट कर लेता हूँ, अबे वो भी नहीं हो रहा, रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा गेम, व्हाट क्या। Why? ये क्या भाई साहब यार, रुको गाइज हट भाई, ये अलग प्रॉब्लम है यार अभी यार। हाँ गेम से हो चुका है, रुको मेरी वो करता हूँ, फोर्स क्लोज करके ओपन करता हूँ। 3 days later भाई मैं अंदर आ गया यार डायरेक्टली, मेरा गेम जो है ना गाइस उसका डेटा थोड़ा करप्ट हो गया था, बताया गाइस थोड़ा गेम का डेटा करप्ट हो गया था अपना। I'm dead भाई। मैं मरा भाई, जल के भस्म हो जाऊंगा मेरे को लग रहा। बाहर भी लोगे बट उनका थोड़ा ध्यान नहीं हमारी तरफ ना, मारते रहो। बाहर वाले लोगों का ध्यान नहीं है उस बंदे का, पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, शांति से बैठे रहते हैं। करप्ट हो गया था भाई अपना गेम भी, करप्ट हो गया था पता है, मैं थोड़ा सा एक दो मिनट पीछे लेके चला गया इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, वरना यहाँ पे नहीं होता तेरा भाई। ये पहले भाई इसको पहले वो कर दो डिस्ट्रॉय, चलो इन सबको उड़ा के अभी मुझे ढूंढने जानी है चेस्ट की लोकेशन भाई। ठीक है, मरते मरते बचाओ रे, यहाँ पे मरते मरते बचाओ, अभी मेरी पेटी बनने ही वाली थी, हेल्थ देखना यार मेरी। सीधा मैं स्पॉन हो गया भाई 10 भाई उनके बीच में, सिंडिकेट्स के बीच में। मुझे लग रहा है अभी पेटी जो है ऊपर साइड हो सकती है कहीं पर, चल अरे मर जाना मेरे भाई। यहाँ पे मैं जेट्रोकोन को बाहर नहीं निकाल रहा, और ना पिछली बार जो कांड हो गए थे ना वो वापस हो जाएंगे, चल चल के चला जाता हूँ ऊपर में चुपचाप। चेस्ट तो लूटने, क्योंकि वहां पे ना लेजेंडरी ब्लूप्रिंट मिलेगी गाइस हमको, तो चेस्ट तो लूटनी पड़ेगी हमको। भूषी की बारी उतने ऊपर से भाई, भूषी मैडम लाड़ में भाई मारने के लिए रेडी हो रही है। चलो अभी सामान जो अपना रॉकेट विकेट लॉन्चर है वो लोड कर लेता हूँ, रुको ऊपर चलता हूँ मैं। इन्वेंटरी फुल तो नहीं है बट ठीक है, यहाँ पे थोड़े ओह शिट, यहाँ पे भी थोड़ी सिंडिकेट है। सीधा थोबड़े पे रॉकेट लॉन्चर चलाया, सीधा भाई थोबड़े पे रॉकेट लॉन्चर चलाया भाई इसने। क्या एक और था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको मारो पहले उसे। जितने भी भाई सिंडिकेट्स है ना पहले मार देता हूँ इनको ऊपर जाने से, अरे लगी नहीं रही उसको। चलो कोई ना, शील्ड तो रिपेयर हो गई मेरी, ऊपर जाना है अभी मेरे को ना, ऊपर जाने का रास्ता साइड से, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। पीछे से कोई सिंडिकेट ना आ जाए यार,
नीचे से बस कोई सिंडिकेट ना आ जाए। बंदा यार ठीक है, वहां पे एक पोकेमोन भी है, उसको भी मारना पड़ेगा। ऊपर जाने का रास्ता यही से गई से जितना मेरे को पता है। अरे यार ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है, यही से तो थी सीढ़ी। भागो ना यार, यार सीढ़ी मेरे हिसाब से यही से तो थी। चलो बाय बाय सर, यहाँ से नहीं थी क्या सीढ़ी, तो यहाँ क्यों आ गया मैं। चेस्ट कहाँ मिलेगी मेरे को ये बता पहले, इसको उड़ा देता हूँ। रुको गाइस अभी, टॉप पे आ गया। यहाँ पे चेस्ट मिलने के मेरे को भाई चांसेस लग रहे थे थोड़े, बट है नहीं यहाँ पे चेस्ट। ठीक है मुझे लग, अरे रुको भाई तुमको डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ डायरेक्टली, रुक जाओ भाई। इतना क्यों वो कर रहे हो, कर रहा हूँ डिस्ट्रॉय भाई, रुक जाओ। इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा डायरेक्टली, रुको पड़ जा भाई। चेस्ट कहाँ हो सकती है भाई, अभी स्पॉन नहीं हुई क्या गाइस अभी तक चेस्ट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। नहीं वो मिनी वाली छोटी चेस्ट तो स्पॉन हो रखी है, छोटी चेस्ट तो स्पॉन हो रखी है भाई, ये चेस्ट क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे भी ऊपर नहीं है, मुझे लगा था यहाँ होगी भाई वो चेस्ट, बट यहाँ नहीं है। कहाँ हो सकती है भाई, तो कोई इसको मशीन को डिसेबल कर रहे तो ताकि मैं आराम से ढूंढ सकूं भाई चेस्ट का है। अबे यार उसको लग ही नहीं रहा, आर पार जा रहा है भाई उसके, आर पार जा रहा है भाई रॉकेट, जमीन पे मार देता हूँ। ओके नीचे वाला भी, वो टावर एक ही है ना यहाँ पे, चेस्ट यहाँ नहीं है, नीचे हो सकते है, वहाँ हो सकती है चेस्ट। रुको इसको डिस्ट्रॉय कर दूं मैं, ये फिर लेजर नहीं चला पाएंगे और हम लोग आराम से घूम घूम के भाई चेस्ट ढूंढ पाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ चेस्ट हो सकते है शायद, भाई ध्यान दे भाई, कहाँ पे ध्यान दे रहा। नहीं यार क्या है, क्यों भाई चेस्ट, मुझे लग रहा है इसकी स्पॉन नहीं हुई है भाई चेस्ट अभी तक भाई। ऑयल रिग पे हमारा टाइम निकल गया, मुझे दूसरी और चीजें करनी थी वो तो मैं कर ही नहीं पाया। चेस्ट ही नहीं मिल रही बड़ी वाली, उनको मार के चले जाएंगे फिर भी ये पेरा देते ही रहेगा यार बंदा। यार हम डायरेक्टली शॉर्टकट मार के आते तो चेस्ट भाई हमको नहीं मिलते, ऐसा तो कुछ सीन नहीं ना गाइस इधर। हाँ कि मैं शॉर्टकट मार के आ गया इसलिए मेरे को अभी चेस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो बाय बाय सर, शील्ड उड़ा दिए, रुको गाइस शील्ड भाई रिपेयर होने दो थोड़ी सी जल्दी जल्दी। सिंडिकेट्स तो आ रहे हैं, शील्ड भी रिपेयर हो चुके हैं, मतलब होने वाले अभी ऑलमोस्ट। जो चेस ढूंढनी है भाई किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे वो चेस ढूंढनी है। रुको शील्ड रिपेयर होने तो फिर उड़ उड़ के जाता मैं डायरेक्टली, सीधा सुपरमैन बन के जाऊंगा। चलो यहाँ तो नहीं हो चेस्ट, ये भी हो सकती है, बोल नहीं सकते, ये वाले रूम में भी हो सकती है, ये वाले रूम में भी हो सकती है वो चेस्ट। रुको पहले भाई को उड़ाएंगे, चलो उड़ जा। रुको गाइस ये वाला एक रूम है बड़ा वाला, शायद इसमें हो सकते हो चेस्ट, देखता हूँ। रुको यहाँ का पहले सारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको तबाह कर लूँ। ठीक है कर दिया, अभी भाई देखते हो कौन को निकालते हैं, ऊपर उड़ के चलते हैं भाई। ये देखो मैं क्या बोला भाई, वाह भाई वाह, यहाँ जाके चेस्ट मिली है मेरे को, यहाँ पे जाके रियली भाई, अरे कॉमेडी में। चलो अभी देखते हैं इसमें से क्या मिलता है। अरे बस मारना बंद कर ले भाई, सिंडिकेट्स को यहाँ पे आने में वैसे भी प्रॉब्लम ही हो जाएगी। यहाँ पे जाके मिली है चेस्ट मेरे को भाई, लेकिन मिल गई, चलो क्या ब्लूप्रिंट मिलते हैं देखते हैं। चलो ओके ग्रेनेड लॉन्चर, यार लेजेंडरी क्यों नहीं दे रहे हैं, फालतू ब्लूप्रिंट दे रहे हैं गाइस मेरे को। पब्लिक लेजेंडरी देते हैं ना सच में, मेरे को तो अभी तक भाई लेजेंडरी ब्लूप्रिंट नहीं दिए इन लोग ने।
भाई मैं दो बार तीन बार आया हूँ भाई, लेजेंडरी ब्लूप्रिंट दी नहीं यार मेरे को भाई, इसे उड़ उड़ के जाएगा मैं। हाँ भाई कि नहीं भाई, खतरनाक टेक्निक, सीधा पानी में जब चलो वापस उड़ के आई। दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल, अरे रुक जा, मार ही डाला यार बेचारे को, बेचारे को मार ही डाला, जिगल दे दे के भाग तो रहा था। लगेगी इनके लिए सर, नहीं रेंज से बाहर हो चुका हूँ। चलो हम लोग लेकिन ऑयल रिग तो कंप्लीट करी। बस कर भाई, उसको भी मार दोगे क्या? इधर तक रेंज आती है भाई इनकी, उड़ना मनाया भाई यहाँ पे लग रहा है। यहाँ तक रेंज आई तो देखना पेल दूंगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी रेंज है, यहाँ तक ही आती है। ओ इतने दूर रेंज आ रही है भाई उनकी गन की। चलो लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग ने भाई ऑयल ट्री कंप्लीट कर लिया, हम लोग ने जर्मन टाइड का जो है गाइस ब्रीडिंग करने के लिए डाल दिया है। मैं देख के आता हूँ गाइस, रुको, ये एपिसोड यार लंबा ना बन जाए भाई बहुत ज़्यादा ही। देख के आता हूँ जर्मन टाइड ने जो अंडे दिए ना, उसमें से जो हम लोग को जर्मन टाइड चाहिए था वही जर्मन टाइड हम लोग को अभी मिला है कि नहीं। अगर मिला हुआ होगा तो तुरंत मैं उनका भाई ब्रीडिंग जो है गाइस वो बंद करके, मतलब जो दो भाई मेरे को स्किल चाहिए थी वो एक ही जर्मन टाइड में अभी अगर मिल जाती है तो फिर मैं एक ब्रीडिंग बंद करके दूसरों के साथ डायरेक्टली ब्रीडिंग कर दूंगा उसका चालू। ज़्यादा अंडे नहीं मिले, दो ही अंडे मिले क्या? थोड़ा मुश्किल ही है, सीनियरिटी और मसलेड फ्यूरियस ना यहाँ पे, और यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द एम्परर, नहीं लॉर्ड ऑफ द क्या सी और सीनियरिटी। ठीक है देखते हैं, देखते चलो, लॉर्ड ऑफ द सी और सीनियरिटी एक साथ मिलेगा। सीनियरिटी और रनर मिल गया मतलब फालतू स्किल है, रनर नहीं चाहिए मेरे को। सीनियरिटी और लॉर्ड ऑफ द सी एक ही के साथ मिल चुका है, बढ़िया बढ़िया एक नंबर। फ्यूरियस मसल एंड सीनियरिटी भी एक ही के साथ मुझे मिल चुका है, बट फ्रैगमेंटेड वो कुछ तो है भाई। फ्यूरियस और सीनियर भाई बढ़िया यार, इनकी ब्रीडिंग होने दो, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। रुको एक को मेरे को सेल करना पड़ेगा जल्दी 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 जल्दी, किसी को सेल करना पड़ेगा मेरे को। पैल वाला मर्चेंट कहाँ पे? एलिमेंट कर दो भाई एलिमेंट। ओके ठीक है, रुको हमारे इस वाले बेस पे भाई, आई थिंक से अगले वाले एपिसोड तक ना हमारा जर्मन टाइड जो है गाइज वो बन जाएगा इजी पीजी, बॉस किलर जर्मन टाइड बन जाएगा हमारा जर्मन टाइड जो है, इजी पीजी भाई, कोई टेंशन नहीं है। रुको अभी थोड़ा ना भाई सेलिंग करने दो यहाँ पे मुझे, एक इधर आ भाई, थोड़े पोकेमॉन्स को सेल करना मेरे भाई, ये जो फालतू वाले पोकेमॉन है ना इसको सेल कर लेता हूँ। रुको थोड़ा थोड़ा सेल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भाई वहाँ पे जो है ना गाइस जो अंडे आज करे उसमें से एक पोकेमॉन ऐसे बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि हमारा पैल बॉक्स फुल हो गया था, ठीक है इसलिए। चलो कोई सीन नहीं, कल तक जो है गाइस आप लोग को यहाँ पे बढ़िया सा जर्मन टाइड जो है गाइस वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा बॉस किलर जर्मन टाइड होगा, इजी पीजी। मैं ऑफलाइन में भी थोड़ी सी जो है ना गाइस इनके ब्रीडिंग करने का ट्राई करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। बाकी एक काम करते हैं, आज का ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और गाइस हमारी पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे जितने भी अभी तक एपिसोड हमारे अपलोड हुए वो सारे लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। बाकी यार लेजेंडरी वाली ब्लूप्रिंट नए गन्स की कब मिलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऑयल ट्री कंप्लीट कर तो रहा हूँ बट मुझे घटिया सी लेजेंडरी वाली गोल्डन वाली ब्लूप्रिंट नहीं मिल रही है, वो थोड़ी सी भाई पिंक पिंक वाली पर्पल वाली ब्लूप्रिंट मिल रही है, वो नहीं चाहिए मुझे, गोल्डन चाहिए, पता नहीं यार कब मिलेगी, देखते हैं। चलो उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाए। बाकी आज का ये वाला एपिसोड हो जाता है ये पे खत्म, जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइज हमारे चैनल पे जो प्रमोशन वाली वीडियो अपलोड होती है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, उस पर अगर 6500 व्यूज 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं तो हम लोग जो है गाइज अगले दिन अपने चैनल पे 2 से 3 पैल वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड करते हैं। तो फटाफट जाइए, अगर आप चाहते हो कि डेली ऐसे एपिसोड अपलोड हो तो जाइए और फटाफट से उस प्रमोशन वीडियो को चेकआउट कर लेना गाइस प्लीज यार तुम्हारे भाई के लिए। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है ये पे खत्म, मिलता है अगले वीडियो में, बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.